समस्तीपुर जिला अग्निशमन कार्यालय में प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी हवलदार शिववजन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें पटाखा दुकानदार व काली पूजा समिति के सदस्य व पंडाल प्रबंधक को अग्निशमन सुरक्षा की जानकारी दी गई। प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस अनिवार्य है और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दुकानदारों को अपने दुकान में अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी करना होगा। वहीं काली पूजा समिति के सदस्यों को भी पूजा पंडाल में अग्निशमन सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की जानकारी। दुर्गा दीपावली के अवसर पर पटाखा पंडालों को यहां पर काली पूजा के बचाव सुरक्षा के लिए लोग समझाया गया, सुझाव दिया गया। क्या नाम अग्निशमन को लेकर यहां पर सुझाव दिया गया? शिववचन सिंह। आप लोग हमारी संस्था के कुछ सदस्यों को अग्निशमन विभाग के द्वारा बुलवाया गया था ऑफिस पे, जिसके अंतर्गत हम लोगों को काली पूजा का आयोजन जो कर रहे हैं उसमें हम लोगों को अग्निशमन से संबंधित होने वाली समस्याओं से रूबरू कराया गया और उसके समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए। और इसके लिए हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि CDP वगैरह, बालू वगैरह और पानी वगैरह, ड्रम वगैरह की व्यवस्था रखनी है और अपने स्तर से भी और प्रशासनिक स्तर से भी पूर्ण सहयोग का वादा किया गया है। क्या नाम हुआ? जी जीतू कुमार। अग्निशामक द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपना सुरक्षा में जो होता है प्रकार का, दो बाल्टी पानी, दो सिलेंडर ABC और CTO 9 लीटर का और दो कंबल रखना है और अगल बगल में अगरबत्ती वगैरह नहीं जला के रखना है, उस पर ध्यान देना है और सुरक्षा का हर तरीके से उसका पालन करना है। पटाखा दुकानदार हैं जी? पटाखा दुकान से हम। क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोती।